हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मस्जिदों को सजाना इमामों को सताना है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है। जितना आपको हम बता रहे हैं, दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल काफी देखा गया है कि लोग मस्जिद को सजाने संवारने में खूब पैसा खर्च करते हैं और इमामों मौलवियों को सताते, उन्हें तंग और परेशान रखते हैं और कम से कम पैसों में काम चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वह सजी सवरी खूबसूरत मस्जिदें कभी कभी वीरान सी हो जाती है और उनमें वक्त पर अजान और नमाज नहीं हो पाती। इस बयान से हमारा मकसद यह नहीं है कि मस्जिदों को सजाना और खूबसूरत बनाना मना है, बल्कि यह बताना है कि किसी भी मस्जिद की असली खूबसूरती यह है कि उसमें दीनदार खुदाए ताला का खौफ रखने वाला लोगों को हुस्न और खूबी और हिकम्मत और दनाई के साथ दीन की बातें बताने वाला आलिम दीन इमामत करता हो। चाहे वह मस्जिद कच्ची और सादा ही इमारत हो, किसी मस्जिद के लिए अगर नेक और सही इमाम मिल जाए तो लोगों को चाहिए कि उसको हर तरह खुश रखे, उसका खूब ख्याल रखे, बल्कि पीरों से भी ज्यादा आलिमों मौलवियों इमामों और मुदरसहीन का ख्याल रखा जाए, क्योंकि दीन की बका और इस्लाम की हिफाजत इल्म वालों से है। अगर इमामों और मौलवियों को परेशान रखा गया तो वो दिन दूर नहीं कि मस्जिदों और मदरसों या तो वीरान हो जाएंगे या उसमें सबसे घटिया किस्म के लोग इमारतें करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छे घराने और अच्छे जहन और फिक्र रखने वाले लोग इस लाइन से दूर हो जाएंगे। खुलासा यह है कि आलिमों और मौलवियों को चाहिए कि वो पैसे और माल और दौलत का लालच किए बगैर दीन की खिदमत करें और कौम को चाहिए कि वह अपने आलिमों मौलवियों और दीन की खिदमत करने वालों को खुशहाल रखे, उन्हें तंगदस्त और परेशान ना होने दे। और हमारी राय में आजकल शादीशुदा बैरूनी बाहर से इमामों के लिए रिहायशी मकानों का बंदोबस्त कर देना निहायत जरूरी है, ताकि उन्हें बार बार घर न भागना पड़े और वो नमाजों को पढ़ाने में पाबंदी कर सके और अंगुस्तनुमायों बदगुमानियों से महफूज रहे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने और पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।